लेक्चर होने वाला है, इसमें आपको समझेगा कि कैसे शार्ड बनता है, कैंडल्स कैसे, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जिन लोगों को भी अकाउंट्स नहीं है, जिन लोगों को भी ट्रेडिंग करना है, देखो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आई मेजरली डू, दैट इज फर्स्ट इज स्टॉक मार्केट, सेकेंड इज फॉरेक्स मार्केट एंड थर्ड इज बाइनरी ऑप्शंस। अगर आपको तीनों में से कोई भी ट्रेडिंग करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी, आप जाकर वहां पर लिंक्स पे क्लिक करके तीनों के अकाउंट्स बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाइनरी ऑप्शंस पर अपना अकाउंट बनाइए। एंड बाइनरी ऑप्शंस के हम लोग सिग्नल्स और कॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप एक बार वो भी चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर मैं जो पर्सनली ट्रेड्स लेता हूँ वो खुद शेयर करता हूँ, जिससे लोग वो कॉपी करके मेरे साथ प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एज अ बिगिनर इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप किसी एक मेंटर को पकड़ो और उनको फॉलो करो, और जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ वो आप भी बना सकते हो, वो आप भी ले सकते हो। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज, अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आप एक्सनेस पर अकाउंट बना सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। एक्सनेस पर जाओ, क्लिक करो, अकाउंट बनाओ, अकाउंट रजिस्टर करो, वेरीफाई करो, उसके बाद में हम लोग फॉरेक्स के भी सिग्नल्स शुरू करने वाले हैं। और फॉरेक्स मार्केट का हम लोगों का एक ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम फॉरेक्स के भी सिग्नल्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। और आज हम लोग सारी चीजें समझेंगे कि एक चार्ट बनता कैसा है। अभी हम लोग डायरेक्टली एक बार चार्ट खोल लेते हैं। अभी आपको ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है, अभी ये मत देखो, ये देखो आप इतना चार्ट देखो, ये जो ऊपर नीचे जा रहा है, ये कैंडल्स बन रही है, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग आज समझेंगे। मतलब कि अगर आप जूम इन करो, आप देखोगे अगर, तो ये एक फॉरेक्स की करेंसी पेयर है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, फॉरेक्स में हम लोग करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करते हैं। हम लोग पहले दो लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसडी और जापानीज येन, मतलब कि ये करेंसी पेयर है यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन की, ठीक है। अभी हम लोगों ने पहले तो ये समझ लिया था कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग क्या होती है, करेंसी पेयर्स पे ट्रेडिंग क्या होती है। अगर किसी ने मिस आउट कर दिया होगा तो आप पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर जाकर देख सकते हो, आपको वो चीज़ें समझ जाएगी कि करेंसी पेयर्स क्या होती है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग किस चीज़ पर होती है, बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेडिंग किस चीज़ पर होती है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग किस चीज़ पर होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ जाएगी। इसलिए जंप इनटू द वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक चार्ट बना है। अब ये चार्ट क्या है, क्यों बनता है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि जो एक चीज़ की मांग होती है, तो ये जो चार्ट बना है ये किस रीज़न से बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आ जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई पर। द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसी रीजन की वजह से चार्ट्स बनते हैं। जो चार्ट्स का ऊपर जाना है, मूवमेंट है, वो सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होती है। तो आपके हम लोग अभी बात करेंगे डिमांड का मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग आ जाते हैं डिमांड पे। डिमांड का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाऊं, एकदम लेमैन शब्दों में, तो किसी चीज की मांग मतलब डिमांड, मतलब कि एक चीज को कितना लोग चाह रहे हैं खरीदना, उसको कितना लोग मान रहे हैं, उस मतलब लोगों को चाहिए वो चीज, उसकी मांग है। अभी मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। अगर कोई एक सुंदर लड़की है, ठीक है, एक ये एग्जांपल बहुत लोगों को समझ जाएगा। अगर कोई एक सुंदर लड़की है और उसको ऐसे मतलब 10 लड़के उसके पीछे पड़े, तो उसकी एक डिमांड है, उसकी एक मांग है, लड़के चाहते हैं कि उस लड़की के पास हम लोग जाए, वो लड़की हमसे बात करे। ये एक एग्जांपल है जो सभी लोग रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये एक चीज की मांग हो गई। अभी डिमांड मतलब मांग, ये हम लोगों को समझ गया। अभी हम लोग उसकी डेफिनेशन के जाते हैं। एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रेफरिंग टू अ कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज गुड एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे अ स्पेसिफिक प्राइस फॉर द गुड्स ऑफ सर्विसेज। मतलब कि एक चीज के लिए, मतलब मान लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोग दारू का एग्जांपल ले लेते हैं, अभी बियर का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बियर डिमांड में होती है हमेशा, ठीक है, और बियर लोग पीते हैं। फिर उसके बाद में बियर के लिए लोग पैसे भी देने तैयार होते हैं, दारू के लिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं बोलेगा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। अगर बियर का मान लेते हैं 120 रुपीस
की बियर है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने ले लिया। और अब मैं इसको समझाता हूँ आपको, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो, जब कोविड हो गया था तब आपको पता है कि सारी अल्कोहल की जो दुकानें थी वो बंद हो गई थी। अब अल्कोहल की दुकानें बंद होने के बाद आपके, मतलब मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे, आपके एरिया में चार दुकानें थी, चार दुकानों में से तीन दुकानें बंद हो गई और एक जो था वो बेच रहा था सिर्फ ब्लैक में, मतलब भले ही शटर डाउन था बट वो बेच रहा था, और वो बेच रहा था बियर तब 160 रुपए के भाव में, जस्ट बिकॉज वो अकेला बेच रहा था, वो रिस्क ले रहा था। और सप्लाई कम था, डिमांड बहुत ज्यादा थी। सप्लाई मतलब एक चीज को आप कितना सप्लाई कर पा रहे हो, एक चीज को आप कितना दे पा रहे हो मार्केट में, ठीक है। अभी ये एग्जाम्पल हो गया, इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं आगे। अभी ये एक हो गई डिमांड की, मतलब अभी हम लोग आते हैं सप्लाई पे। सप्लाई का मीनिंग क्या हो गया, सप्लाई मतलब क्या, ठीक है। सप्लाई का सिंपल शब्दों में एग्जाम्पल है, मतलब है कि जो गुड्स है, जो सर्विसेस है, वो कितने क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल है। मतलब कि अभी जैसा मैंने बियर का एग्जाम्पल ले लिया, पहले बियर ओवरऑल जब कोविड नहीं था तब बियर अवेलेबल थी, हर शॉप में अगर आप जाओ हर शॉप में आपको मिल जाएगी। बट जब कोविड आया शॉप्स बंद हो गई, एक दो शॉप्स बंद शुरू थी और वो ब्लैक में बेच रहे थे। अभी ब्लैक में बेचने के बाद वो रिस्क ले रहे थे, रिस्क लेने के बाद सप्लाई कम था, मतलब उनके पास ज़्यादा बियर्स नहीं थी। और फिर उसके बाद में आप जब जाओगे एज अ कस्टमर, और बियर पीना कोई नहीं छोड़ता भाई, देखो मेरे भी ऐसे दोस्त है जो लोग कोविड में भी दारू पिए, ठीक है। दारू का सप्लाई भले ही कम हुआ बट डिमांड कम नहीं हुई। अब हम लोग उसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ और समझ लेते हैं। जब एक आप सब्जी लेने कि आपके एरिया में सिर्फ एक सब्जी वाला है, एक सब्जी की दुकान है, उस एक सब्जी वाले के पास अगर आप जाओगे, आप आलू लेने गए और आलू 60 रुपए केजी के हिसाब से उसने दिया आपको, ठीक है। फिर अगर ऐसा ही एग्जाम्पल हम लोग दूसरा ले, जहां पर आप सब्जी मार्केट में जाओ, सब्जी मार्केट में आपको अगर आप जाओ तो एक ही चीज की आपको 10 दुकानें मिल जाएगी, ठीक है। अगर वहां पर 10 दुकानें हैं, ठीक है, वहां पर अगर 10 दुकानें हैं और आप आलू लेने जाओ, सेम चीज आप लेने जाओ, तो आपको वहां पर 30 या फिर 40 रुपए किलो में वो चीज मिल जाएगी। क्यों मिली, ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आलू बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल था मार्केट में। अगर आप ऐसा लेने जाओ किसी एक सब्जी मार्केट के एक पर्टिकुलर दुकान में आप लेने जाओ, सिर्फ एक ही दुकान है वो आपके एरिया में, तो वो वहां पे आपको ऑब्वियसली महंगी पड़ेगी, क्योंकि आलू कम है, लोग ज्यादा है लेने के लिए। बट अगर आप सब्जी मार्केट में जाओ, और सब्जी मार्केट में आप जाते ही होंगे, मम्मी आपको भेजती होगी, आप अपने वाइफ के साथ जाते होंगे, गर्लफ्रेंड के साथ जाते होंगे, आप जब जाते हो आप सब्जी मार्केट में देखते हो कि जो यूजुअली आप बाय करते हो उससे सस्ती चीजें आपको मिल रही है, सस्ती सब्जी आपको मिल रही है। दैट इज बिकॉज, क्योंकि आप अगर देखोगे तो जो डिमांड है वो तो सेम है बट जो सप्लाई है वो तो बहुत ज्यादा हो गया। और आप जब भी जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत से लोग सब्जियां खरीद लेते हैं, हफ्ते हफ्ते भर की सब्जियां खरीद लेते हैं और वहां पर आपको सस्ती मिल जाती है। ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर द रीजंस बिहाइंड अ मार्केट, बिहाइंड अ चार्ट। मतलब कि ये जो चार्ट बन रहा है, इस चार्ट के बनने के पीछे का रीजन जो है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसी को कंसिडर कर लेते हैं। अब USD JPY पे हम लोग डिमांड एंड सप्लाई समझते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन समझते हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, पहले आप देखोगे इस जोन में, मार्केट मूव हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है। और आप देखोगे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर 154 पकड़ लेते हैं। 154 रुपीज का वो जो मार्केट था वो वहाँ पे घूम रहा था, 154 से लेके 154 680 तक, ठीक है, 540 से लेके 680 तक मार्केट घूम रहा था। दिस इज अ डिमांड जोन, यहाँ पे चीज़ें कम थी, डिमांड जोन था, लोग खरीद रहे थे, इसीलिए उसकी प्राइस बढ़ती गई। और यहाँ पर लोगों को लगा कि इतना, अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। एक कंपनी है, हम लोग फिर से व्हाइट बोर्ड पर आ जाते हैं, एक कंपनी है, हम लोग जोमैटो का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जोमैटो का मैंने जैसा एग्जांपल दिया, स्टॉक मार्केट में जोमैटो का अगर शेयर 100 से 120 के रेंज में घूमता है यूजुअली, ठीक है, अभी अगर मार्केट या फिर जोमैटो का जो स्टॉक है वो 100 पे आ गया, अब लोग सोचते हैं कि ये 100 पे तो आ गया है, ये हमेशा 120 पे घूमता है, तो हम लोग अभी बाय कर लेते हैं, और बाय करने के बाद जब वो 120 पे जाएगा हम लोग उसको सेल कर देंगे। तो 100 पे आपने बाय कर लिया, मार्केट ऊपर गया, 120 पे आपने वापस सेल कर लिया, ठीक है, यही एग्जांपल आपने यहाँ पे समझ लिया। तो इधर अगर आप देखो तो यहाँ पे ये भी मार्केट, यहाँ पे 100 पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, यहाँ पे 100 पे आपने बाय कर लिया, 120 तक मार्केट गया, 110 तक 112 तक मार्केट गया, आपने सेल कर दिया, वापस नीचे आया, वापस 100 पे आया, वापस आपने बाय कर लिया, वापस 120 पे गया, आपने सेल कर लिया। ऐसा जो लोग है मार्केट में, देखो हम एक दो लोग नहीं होते, मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेड करते होते हैं, और अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर एसेट का प्राइस अगर कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब कि एक जोन में घूम रहा है, हम लोग ये एक जोन कंसिडर कर सकते हैं, राइट, ये एक जोन हो गया, मतलब कि यहां से यहां तक के मार्केट घूमा है बहुत बार, और इस चीज को ही साइडवेज मूवमेंट भी कहते हैं मार्केट में। देखो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, फर्स्ट इज साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, सेकेंड इज अप ट्रेंड, यहां पे आप देख सकते हो अप ट्रेंड, हम लोग इसको और जूम करके समझा देता हूं मैं आपको, अप ट्रेंड क्या होता है, दिस इज एन अप ट्रेंड, जब मार्केट ऊपर मूव कर रहा होता है दिस इज एन अप ट्रेंड, एंड जब मार्केट नीचे आ गया रहता है यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया है, दिस इज अ डाउन ट्रेंड। हम लोग अभी ट्रेंड के बारे में नहीं समझेंगे, हम लोग सिर्फ अभी ये समझेंगे कि चार्ट बनता कैसे, ट्रेंड के बारे में हम लोग कल समझेंगे सारी चीजें, ट्रेंड, फिर उसके बाद में आप कौन से मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, और मार्केट में ट्रेड कर सकते हो तो कितने टाइप्स ऑफ ट्रेड कर सकते हो, देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स जो आप मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो ये हम लोग सारी चीजें समझेंगे, पहले हम लोग सिर्फ मार्केट को समझ लेते हैं, मार्केट होता क्या है। अभी आप लोगों ने समझ लिया कि एक चीज की जब मांग हो रही है, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल लिया था जोमैटो का स्टॉक, जोमैटो जब 100 पे आया, और इसको हम लोग जोमैटो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, 100 पे जब जोमैटो आया तब लोगों ने खरीद लिया, 120 पे उसको बेच दिया। तो ऐसा ही जब होता है, जब किसी चीज की प्राइस गिरती है और लोग खरीदते, सप्लाई है, लोग जब खरीदते और मांग हो रही है उस चीज की, तो उस चीज की वैल्यू बढ़ेगी। जैसा मैंने बोला कि कोविड में जब दारू नहीं मिल रही थी और लोगों को दारू चाहिए थी, अब एक दारू पीने वाला दारू तो छोड़ नहीं सकता कुछ टाइम के लिए, या एक साल के लिए, 6 महीने के लिए, वो तो पिएगा ही पिएगा, 100% पिएगा, कैसे भी पिएगा, उसको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना है, और जुगाड़ एक ही दुकान में मिला है, एक ही दुकान में सिर्फ स्टॉक अवेलेबल है, बाकी कहीं नहीं है, एक ही दुकान खुली है। आप उसके पास अगर जाओगे तो वो 100 की चीज आपको 200 में भी बेच सकता है, 300 में भी बेच सकता है, क्योंकि पीने वाले बहुत है, खरीदने वाले बहुत है, बट बेचने वाला एक है। ये हो गया डिमांड कमिंग। अभी जब हम लोग इसको स्टॉक में समझ रहे हैं, एक पर्टिकुलर एसेट में समझ रहे हैं, तो यहाँ पे लोग खरीद रहे थे, देखो लोग खरीद रहे थे, वो ऊपर जा रहा था, अभी एक उसका एक जोन बना, लोगों ने खरीदा, उसकी प्राइस ऊपर चलती गई, और फिर उसके बाद में जब लोगों को लगा कि हाँ ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा या फिर इतना ही जाएगा, तो लोगों ने बेच दिया, सप्लाई बढ़ा, सप्लाई बढ़ने के बाद प्राइस गिरी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है। अभी जैसा हम लोग यहां पे समझेंगे, देखो अभी हम लोग इसको लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड समझ लेते हैं। यहाँ पे इसको हम एकदम एग्जांपल के साथ, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया वैसा ही हम लोग समझेंगे, ठीक है। जब सप्लाई बढ़ता है और डिमांड कम होती है, ठीक है, जब सप्लाई बढ़ता है और डिमांड कम होती है, जब मैं यहाँ पे अगर जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि दारू का एग्जांपल जैसे मैंने दिया था, दारू जब ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, जब चलो ठीक है लेस क्वांटिटी में हम लोग अवेलेबल बोलते हैं,
दारू जब लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है, जब उसका सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो मैंने जैसा बोला था कि एक ही इंसान बेच रहा है दारू और पीने वाले बहुत लोग है, तो प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। जब सप्लाई कम हो गया और डिमांड बढ़ गई तब प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। जैसा बियर हो गया, जब उसका सप्लाई ज्यादा हो गया और डिमांड कम हो गया तो जो प्राइस रहेगा उसका, जब सप्लाई ज्यादा हो गया, बियर ज्यादा है मार्केट में अवेलेबल, बहुत ज्यादा है और लोग ही कम है पीने वाले, तो आपके पास अगर आप दारू बेचते हो, ठीक है, आपकी दुकान है, आपके पास लोग बहुत कम आ रहे हैं दारू बेचने के लिए, पीने के लिए, तो आप थोड़ा कम प्राइस में भी दे दोगे, राइट। तो उसी रीजन से प्राइस कम होगा, और इन केस अगर सप्लाई कम होता है और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाएगा, समझे। सप्लाई एंड डिमांड आर जो दोनों रिलेवेंट है उन सारी चीजों के, तो अगर सप्लाई बढ़ता है और डिमांड कम होती है तो प्राइस नीचे जाएगी, और अगर सप्लाई कम होता है और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाएगी, दैट्स इट। ये आप लोग अच्छे से समझ गए, ये ही रीजन होता है एक चार्ट के मूव करने के पीछे का। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डिमांड था, ये डिमांड जोन है हमारा, क्योंकि लोग देखो, जैसा मैंने जोमैटो को एग्जांपल दिया था कि जोमैटो 100 रुपए के स्टॉक पे 120 तक जाता है और यूजुअली 120 से नीचे आता है, तो इसी यहाँ पे हम लोग देख लेते, इस करेंसी पेयर यूएस डॉलर्स का जो जापानीज येन में जो करेंसी पेयर का रिलेशन है, वो इस टाइम फ्रेम में, मतलब कि 18 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक एक जोन में घूमता रहा था। इसको हम कंसोलिडेशन मार्केट बोलते हैं, साइडवेज मूवमेंट बोलते हैं, साइडवेज मार्केट बोलते हैं। तो जब यहाँ पर प्राइस आई और लोगों को पता था कि यहाँ तक यूजुअली प्राइस आती है और उसके बाद में जब यहाँ पर जाती है तो उसके बाद नीचे गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई है, ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, डिमांड कम है, और यहाँ पर जो है यहाँ पे सप्लाई ज्यादा हो गया और डिमांड कम हो गई तो लोग उसको सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा डिमांड जोन हो गया, ये हमारा सप्लाई जोन हो गया, तो लोग खरीद रहे हैं, जब मांग बढ़ रही है तब प्राइस बढ़ रहा है, और जब मांग घट रही है, जब लोग उसको बेच रहे हैं, लोगों को नहीं चाहिए, जब कम हो रहा है उसका प्राइस, तो मांग घट रही है, ऐसा ही चार्ट मूव होता है। और मार्केट में आप देखोगे तो तीन टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। अब जब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक अप ट्रेंड था, ये एक साइडवेज मूवमेंट था, ये एक डाउन ट्रेंड था। ट्रेंड को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, तो ये हम लोग मार्केट समझ गए कि मार्केट के यहाँ पर देखेंगे। तो जब मान लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल वापस से जोमैटो का ले लेते हैं, ठीक है। जोमैटो का जो प्राइस ओपन हुआ था वो 100 पे हुआ था, 100 से जोमैटो का प्राइस 130 तक गया, वो ऊपर गया, और एक बार फ्लक्चुएट होके वो नीचे भी गया था। मतलब कि मार्केट में आपने देखा कि प्राइस अप एंड डाउन चलते रहती है, तो 100 से वो स्टार्ट हुआ, 80 पे वो गया नीचे एक बार, और फिर लोगों ने उसको खरीद लिया। लोगों को पता है कि 80 पे अगर मार्केट, अगर उसकी प्राइस आई है तो 100% 100 तक तो जाएगी जाएगी। फिर उसके बाद में लोगों ने खरीद लिया, बहुत से लोगों ने खरीद लिया, और उसकी प्राइस चली गई 130 तक। अगर प्राइस 130 तक जा रही है तो ये जो बीच का मूवमेंट हो गया, मतलब ये जो 80 से 130 के बीच का मूवमेंट हो गया, इससे कैंडल बन गई। अब जो प्राइस ओपन हुई थी, हम लोगों ने जो एग्जांपल दिया था यहाँ पे, जो ओपनिंग प्राइस थी वो थी 100 रुपए की, ठीक है। मैं अभी ये एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जो हाई बनेगा, जो हाई हुआ वो 130 तक गई, ये हमारा हुआ 130 तक उसकी प्राइस गई। अभी 130 चला गया, यूजुअली इतना हाई नहीं जाता है, तो लोगों ने बेचना स्टार्ट किया, और बीच जैसा ही लोगों ने बेचना स्टार्ट किया, मार्केट की प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हुई, वो गया 80 तक, और 80 से वो और नीचे गिर के वो गया 60 तक, ठीक है। अब लोगों को पता है कि 60 से यूजुअली वो 100 तक जाएगा, तो लोग अगर वापस से बाय करना स्टार्ट करेंगे तो
मूवमेंट ऊपर जाएगी, ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। बट जो ओपनिंग प्राइस था वो था 100 रुपये और मार्केट नीचे गया 80 तक, मतलब पहले तो मार्केट नीचे गया 60 तक और 60 के बाद फिर मार्केट ऊपर 80 पे आके क्लोज हो गया। तो ये जो कैंडल बनती है ये तीन रीजन से बनती है, एक होता है ओपनिंग प्राइस, फिर दूसरा होता है क्लोजिंग प्राइस, तीसरे में जो आता है वो होता है मूवमेंट, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये समझते हैं कि जब ओपन हुआ मार्केट 80 पे जब ओपन हुआ और क्लोज हुआ 100 पे, तो ये मूवमेंट क्या हो गई, अपवर्ड मूवमेंट हो गई। तो अपवर्ड मूवमेंट मतलब एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, और ग्रीन कैंडल ये हो गई हमारी, ये अपवर्ड मूवमेंट एक ग्रीन कैंडल। और अगर प्राइस ओपन हुआ 100 पे खत्म हुआ 80 पे तो ये डाउनवर्ड, 100 से 80 नीचे आया प्राइस, ये हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट। मतलब कि जो कैंडल बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी, ये आप लोग समझ गए यहाँ पे, ग्रीन और रेड आप समझ गए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ग्रीन और रेड कैंडल सी दिख रही है, अगर हम लोग जूम कर लेंगे अच्छे से तो आप देखोगे आपको यहाँ पर मार्केट में ग्रीन और रेड कैंडल दिखती है। तो हम लोगों ने जो समझा था कि एक अपवर्ड मूवमेंट में ग्रीन कैंडल बनेगी, एक डाउनवर्ड मूवमेंट में रेड कैंडल बनेगी, ये हम लोगों ने समझ लिया। तो यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट आया, एक ग्रीन कैंडल बनी, एक डाउनवर्ड मूवमेंट आया कि रेड कैंडल बनी। अब ये जो है, ये जो विक्स है, ये क्यों बने, ये हम लोग समझ लेते हैं। जो ये विक बनी है, ये जो नीचे उसके पैर बने हैं नीचे और ऊपर, और ये रेड कैंडल में नीचे ऊपर जो पैर बने हैं, ये हम लोग समझ लेते हैं अब क्यों बने। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अभी हम एक जोमैटो का एग्जांपल जैसे मैंने दिया था, एक उसकी ओपन हुआ था जोमैटो 80 पे, वो गया 120 तक और क्लोज हुआ 100 पे, ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। 120 तक हो गया और वो क्लोज हुआ 100 पे, 80 वॉज द ओपनिंग प्राइस और वो गया, यहाँ पे ले लेता हूँ नीचे ले लेता हूँ, अस्सी 80 वॉज द ओपनिंग प्राइस और वो 120 तक गई, ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं 120 तक वो उसकी प्राइस गई, ये हो गया 120। बट जब वो क्लोज हुआ तो वो 100 पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट था 80 से 100 का, दिस वॉज अ ग्रीन मूवमेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन होगा, ये जो कैंडल बनेगी ये ग्रीन कैंडल बनेगी, क्यों, क्योंकि ये अपवर्ड मूवमेंट में मार्केट घूमा, 80 से 100 गया, 100 से वापस से वो 120 गया, 120 से नीचे आके लोगों ने बेचना स्टार्ट किया, 120 से नीचे आके वो 100 पे क्लोज हो गया, ठीक है। ये एक टाइम, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में कैंडल बनती है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कैंडल थी, दिस वॉज एट, यहाँ पे अगर नीचे देखोगे आप जो टाइम फ्रेम दिख रहा है, फ्राइडे 19 अप्रैल 2024 1301, ठीक है, 1301 से ये दूसरी जो कैंडल बनी ये 1302 की बनी, ये टाइम फ्रेम हो गया, मतलब कि एक मिनट में कितना मूवमेंट दिया उस हिसाब से ये कैंडल बनी। अब नीचे जाने के बाद वो क्लोज हुई है, ठीक है, अगर आप देखो तो कैंडल बहुत नीचे गई, यहाँ तक नीचे गई और फिर यहाँ पर आके वो क्लोज हुई। तो ये जो है ऊपर और नीचे का ये जो पोर्शन होता है इसे विक कहते हैं। अभी आप देखोगे तो इसको हम बॉडी कहते हैं और इसको हम विक कहते हैं,
जैसा आप अगर ऊपर स्क्रॉल करके हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये बॉडी हुई, इतना जो पोर्शन है ये बॉडी हुई, और ये जो ऊपर और नीचे के जो लोअर्स है इन्हें हम विक कह रहे या फिर शैडो कह रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम लोगों को समझ गए, इसके बाद में हम लोग ग्रीन कैंडल का हम लोग समझ गए, अब हम लोग एक बार रेड कैंडल का फिर से समझ लेते। तो अगर मान लेते 100 रुपीज पर ओपन हुआ था मार्केट, जोमैटो का जो प्राइस था वो 100 रुपीज पर ओपन हुआ था, फिर उसके बाद में 100 पर लोगों ने उसको खरीद लिया और 120 तक वापस से मार्केट चला गया, ठीक है। और 120 पे लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया और बेचते जब प्राइस उसकी कम हुई तो वो आ गई 70 पे, और 70 पे 60 पे हम लोग कंसीडर कर लेते, वो आ गई 60 पे। तो अभी लोगों को पता है कि 60 पे आ गई है, और यूजुअली जो जोमैटो का प्राइस है वो 100 से 120 के रेंज में घूमता है, तो अगर 60 पे आ गई तो लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, और जैसा ही खरीदना स्टार्ट किया वो कैंडल ऊपर गई, फिर उसके बाद में यहाँ पर वो क्लोज हो गई 80 पे, ठीक है। अब ये कौन सी कैंडल बनेगी, ये हमारी रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, ये हमारी रेड कैंडल बनी क्योंकि 100 पे उसका स्टार्ट हुआ था, 100 से वो 120 तक गया, बट 120 पे लोगों ने बेचना स्टार्ट किया एंड वो 60 तक गया, फिर से 60 पे लोगों ने फिर से स्टार्ट किया खरीदना और वो 80 तक जाके क्लोज हो गया। ये हम लोगों ने कैंडल समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कैंडल्स तो बन गई, फिर उसके बाद में जो ट्रेंड्स बनता है, जो मूवमेंट आती है मार्केट में, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये हम लोग समझ गए थे। ये साइडवेज मार्केट हो गया जो एक जोन में घूम रहा है, ये एक अप ट्रेंड मार्केट हो गया और ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट हो गया। अब हम लोगों ने ये समझ लिया, और इसको हम लोग कहते हैं ये जो पोजीशन थी ये थी हाई एंड दिस वाज लो, ठीक है। एक कैंडल की हाई और लो पोजीशंस ये दोनों हो गए। अब जब हम ट्रेंड समझेंगे तो इन कैंडल्स में जो हाई और लो है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले। तो आज हम लोगों ने ये समझा कि सपोर्ट एंड जो डिमांड एंड सप्लाई होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली, और उसके बाद में जो कैंडल होती है वो कैसे फॉर्म होती है। आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे कवर कर लेते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो हम लोग कल टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट विल बी ट्रेंड्स, जो टाइप ऑफ ट्रेंड्स है मार्केट में जो हम लोगों ने अभी देखे, अप ट्रेंड, साइडवेज मार्केट एंड डाउन ट्रेंड। तो ये तीन ट्रेंड्स हम लोग समझेंगे, इसी के साथ साथ हम जो वॉइस जो उसका फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, फिर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल समझेंगे। कल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, कल हम लोग ट्रेंड समझेंगे और सपोर्ट्स एंड लेवल रेजिस्टेंस समझेंगे, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर टुडे, आई सी यू टुमारो एंड टाटा।